अच्छा, नमस्कार आप सबको। इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका विषय है कि जैसा आप जानते हैं कि लगभग 1.5 वर्ष मुझे एज ए अध्यक्ष काम करने का मौका मिला है, और इस 1.5 वर्ष में जो विधानसभा का संचालन हुआ है, उसकी जानकारी समय समय पर विधानसभा के सत्रों के बाद हमने आप सबको उपलब्ध कराई है। और आप भी जानते हैं, और आपके द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनता भी जानती है कि सदन का संचालन नियमों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप, जो हमारी विधानसभा की जो नियम और संचालन की जो प्रक्रिया है, उसके अनुरूप हुए हैं। और ये जो विधानसभा है, 14वीं विधानसभा, इसकी प्रोडक्टिविटी 132% रही है। जो भी सत्र हुए हैं, उन सत्रों में जो भी अलॉटेड टाइम था, उससे ज्यादा काम विधानसभा ने किया है। सभी सामान्य सदस्यों को, चाहे वो पक्ष के हों, चाहे प्रतिपक्ष के हों, और चाहे वो आजाद विधायक थे, सभी को मौका दिया गया, सभी का व्यू पॉइंट सुना गया, और अगर किसी को अधिक समय चाहिए था, वो भी अलॉट किया गया। तो सारा संचालन जो है, नियमों के अनुरूप ये हुआ है। और इस दौरान में जो दो घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें विशेष रूप से जो 6 मान्य सदस्यों का निष्कासन हुआ, वो भी संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप, और जो 10th शेड्यूल है, उसकी जो वायलेशन है, उसके अनुरूप उनकी सदस्यता रद्द हुई। और अब उपचुनाव के माध्यम से 6 में से 4 सदस्य जो है, वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, और 2 चुनाव जीते हैं जिनकी शपथ समारोह हो चुका है। और दूसरा निर्णय जो हमने लिया था, जो 3 निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे, और जिन पर कानूनन संवैधानिक तौर पर ये पाबंदी है कि वो उन 5 वर्षों के कार्यकाल में किसी भी राजनीतिक दल को वो ज्वाइन नहीं कर सकते, उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते, और उन तीनों ने 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर 23 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और उसके ऊपर भी नियमों के अनुरूप हमने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को पूरा समय दिया। जब तक मैं फैसला लेता, तो ये तीनों मान्य सदस्य माननीय उच्च न्यायालय में गए इस विषय को लेकर कि स्पीकर को ये डायरेक्शन कानूनन दी जाए कि वो हमारे इस्तीफे जो हैं उनको मंजूर करें। मैंने भी 10-15 दिन, 20 दिन इंतजार किया, और जब फैसला आया, तो उस फैसले में माननीय जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि स्पीकर के संवैधानिक अधिकार के अंदर अदालत किसी भी प्रकार से दखल नहीं दे सकती, क्योंकि 2 जज डिवीजन बेंच था, तो एक ने कहा कि हम उनके संवैधानिक अधिकार में दखल तो नहीं दे सकते, लेकिन समय अवधि निश्चित कर सकते हैं। तो ये डाइसेंटिंग व्यू पॉइंट था, इसलिए तीसरे जज को ये मैटर रेफर हुआ।
जिनका निर्णय भी आया है और उसके बाद कंक्लूडिंग जो निर्णय है वो चीफ जस्टिस महोदय का आया है, जिसमें साफ तौर पर तीसरे जो माननीय जज है उन्होंने जो चीफ जस्टिस का जो व्यू पॉइंट था उसी के साथ जो है वो गए और उन्होंने भी इस बात को तसब्बर किया और फाइनली जो जजमेंट है उसका जो फाइनल पार्ट है उसमें यह कहा गया कि कोई भी संवैधानिक अदालत स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों के अंदर किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। ये उनके विवेक के ऊपर है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो निर्णय होने हैं वह उनका ही उसमें विवेक का इस्तेमाल होगा, उसमें किसी प्रकार की समय अवधि भी निश्चित नहीं की जा सकती। और ये विशेष स्पष्ट हैं, दोनों राजनीतिक दलों के समक्ष हैं और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय श्री जयराम जी जो सदन के जो है प्रतिपक्ष के नेता भी हैं उनकी जानकारी में है, लेकिन अदालत के इन फैसलों के बावजूद और जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जो उन्होंने मेरे फैसले को चुनौती देकर जो राहत लेने का प्रयास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनके साथ नहीं गई और आखिर में उनको वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस्ड एज ए विड्रॉन उसका निर्णय दिया जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। यानी स्पीकर के जो अधिकार क्षेत्र है उसको दोनों माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी अपना जो है जो अपनी रूलिंग है फैसला है उसके माध्यम से ये तय कर दिया कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अंदर और जो निर्णय हमने लिए हैं उसमें किसी प्रकार के दखल की गुंजाइश नहीं है। फिर भी पब्लिक डोमेन में जाकर नेता प्रतिपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य उन फैसलों को राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा से पब्लिक डोमेन में चुनाव में डिस्कशन में ला रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुरूप जो मुझे निर्णय करना था वो मैंने किया और प्रेस के माध्यम से मैंने उस दिन भी कहा था, यद्यपि 10th शेड्यूल में कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार्ड होने के बावजूद ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने निश्चित की कि इन फैसलों की जो स्पीकर के पास तीन तरह का अधिकार क्षेत्र है, एक अधिकार क्षेत्र जब सदन लगता है तो सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है वो भी नियमों के अनुरूप होती है, लेकिन उसमें कोई भी अदालत किसी भी प्रकार से दखल नहीं दे सकती, ये विशेषाधिकार सदन का है स्पीकर का है। लेकिन जब वो सदन के बाहर सदन के अंदर की घटनाओं से ताल्लुक जब वो निर्णय लेते हैं तब उनका रोल कुसाई जुडिशियल होता है, तो उस जुडिशियल प्रोसेस में लिए गए निर्णयों को अदालत जो है समीक्षा में ला सकती है, समीक्षा हो सकती है और समीक्षा होने के बाद जब उन्होंने मेरे निर्णयों को जो है सही कहा किसी प्रकार से उन निर्णयों में अपना जो है किसी प्रकार से उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं कही, तो मैं ये समझता हूं किसी भी माननीय सदन के सदस्यों को उन विषयों को पब्लिक डोमेन में उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरे शब्दों में उसको फिर से नियमों का उल्लंघन ही माना जाएगा। क्योंकि जो अंदर होता है वो नियमों के अनुरूप होता है और अंदर की कार्रवाई के बाद जो कानूनन कार्रवाई मैं करता हूं वो भी जुडिशियल समीक्षा में है, लेकिन वो भी कानून के दायरे के अंदर है, तो अंदर भी जो कानून लगते हैं वो ही बाहर भी लगते हैं, इसलिए किसी भी माननीय सदस्य को ये अधिकार नहीं है। जैसे कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और कोर्ट ने फैसले के बाद अगर दूसरी कोर्ट ने उसी फैसले को
जो है अपनी सहमति प्रकट कर दी, तो फैसला अप्रूव हो गया। उसमें किसी प्रकार का या अपील में अगर वो रद्द कर दिया और दूसरी कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, तो दूसरी कोर्ट का फैसला चलेगा। और अगर वो फैसला अप्रूव हो गया तो कोई भी आदमी उस फैसले को लेकर पब्लिक डोमेन में जाकर कोर्ट का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। दैट अमाउंट्स टू ए कंटेम्प्ट ऑफ ए कोर्ट ऑल्सो। तो लाइक वाइज वी हैव ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो हमारे अधिकार हैं सदन के अंदर, उनका प्रयोग करते हुए जो भी निर्णय हमने सदन में लिए हैं, अगर कोई समीक्षा उसमें होनी है या अगर कोई चर्चा उनको करनी है तो सदन के अंदर ही होगी, और उसकी इजाजत मिले ना मिले, वो कानूनों के दायरे में अगर होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, वो बात सदन के अंदर की है। और पब्लिक डोमेन में इस बात को डिस्कस करने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से ये कहूंगा कि जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आक्षेप वो अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, कृपया करके अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, कौन और किसने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, किसने नहीं किया है। मैं इससे अधिक कहना नहीं चाहता, मात्र उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो जो है जब कभी प्रेस के सामने हो तो अपने शब्दों पर जरूर और सोच पर नियंत्रण करें, और कोई भी अन्य मान्य सदस्य भी। मजबूरन फिर मुझे फिर से जो है कहीं जो है अपने नियमों को दोबारा से एनफोर्स करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो संवैधानिक होगा। ये हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कब नहीं आएगा? ये जो आपने प्रश्न किया है, ये विषय अगेन विचाराधीन है अभी हमारे सचिवालय के पास। जो पिटीशन आई है उसका नोटिस गया है, नोटिस का जवाब आ चुका है, अब उचित समय पर जो है जब सदन का संचालन होगा तब उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। नहीं, उसमें एक पिटीशन है, उसमें 9 लोगों के खिलाफ जो अंदर जो व्यवस्था मैंने दी थी और उस व्यवस्था की जो अवहेलना हुई अंदर, उस अवहेलना के लिए नोटिस दिया गया था, और अंदर जो नियमों को ताक पर रखकर सदन के आसन पर जाकर कागज फाड़ना, सदन में अव्यवस्थित माहौल पैदा करना, ये इस प्रकार का जो आचरण था उसके लिए वो नोटिस गया था, उनका जवाब आया है, और वो सारी कार्रवाई प्रेस के सामने हुई है, समक्ष हुई है, और अंदर रिकॉर्ड पर भी है, टीवी में भी है, रिकॉर्ड पर भी है। तो जब कभी उसके ऊपर आगे जो है उपयुक्त समय आएगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे आगे। सर, क्या उसमें नियमों में ये प्रावधान है कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है? अभी मैं ये सारी बातें तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से नहीं कहना चाहूंगा, अभी जब उसके ऊपर वो कार्रवाई हम शुरू करेंगे तब इसकी जानकारी मैं आप प्रेस को जो है उसको। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मजबूरन मुझे कदम ना उठाना चाहिए, वो मजबूरी में वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं? मजबूरन का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक जो स्वभाव है उसी के अनुरूप सारे राजनीतिक दल काम करें और सदन की मान मर्यादा को बरकरार रखें, अपनी अपनी जो उनकी मान मर्यादा है उसको भी बरकरार रखें, ऐसे अपशब्दों का ऐसा प्रयोग ना करें जिससे किसी के मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, और जब पहुंचती है तो फिर उन परिस्थितियों में नियम कानून संविधान सब जो है उसके तहत जो है कार्रवाई होती है। तो मजबूरन तो फिर ये मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर मुझे मजबूरन उन नियमों को एनफोर्स करना पड़ेगा। कल नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आप सरकार की कठपुतली बने हुए, अब ये नेता आपके आए हैं उनका कहना था, ऐसे बयान आए थे जो आपकी पद की आपकी गरिमा के बिल्कुल विपरीत है, आपका आचरण विपक्ष की नजर में सही नहीं रहा, ये उनका आरोप।
उनका नेता प्रतिपक्ष क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं और मेरा आचरण क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट मुझे नेता प्रतिपक्ष से नहीं चाहिए। मेरा आचरण जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है। मेरे निर्णयों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की जनता ने 6 में से 4 सीटों के ऊपर उस निर्णय को बहाल रखते हुए वहाँ जो माननीय सदस्यों जिन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया उनको सजा दे चुकी है। इसलिए मुझे जो है ये अपना आचरण जो है ये जयराम से समझने की जरूरत नहीं है। जयराम को जरूर हिमाचल प्रदेश की जनता के द्वारा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हुए निर्णयों का जो है संज्ञान लेना चाहिए और जो मान मर्यादा है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की उसको बरकरार रखना चाहिए, यही कहना चाहूंगा। मैं अपना व्यक्तिगत मत यहाँ नहीं देने के लिए हूँ। उन्होंने रिजाइन दिया, कानूनन जो मुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी वो मैंने की है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, किरण चौधरी कांग्रेस की इलेक्टेड MLA हैं हरियाणा में, उन्होंने दल बदल किया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उन्होंने ज्वाइन कर ली, अभी तक उनको डिस्क्वालीफाई करने का जो काम है वो स्पीकर वहां के जो है माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी वो करेंगे। अब वो प्रोसीडिंग्स वहां इनिशिएट हुई हैं, वो कंक्लूड होंगी। प्रोसीडिंग्स दोनों दलों को सुनना पड़ता है, सुनने के बाद कंक्लूशन होता है। आप हाई कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं, रिप्लाई जाता है, रीज्वाइंडर जाता है, काउंटर होता है, उसके बाद फिर कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन लग जाती है। तो ये तो निर्णय हाई कोर्ट के अंदर घंटों बहस हो चुकी, उसके बावजूद निर्णय आने के बाद जयराम जी को अपने अंदर संतोष करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, भाषा के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से लंबे समय से वार्तालाप चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं, आज आपने भी जो शब्द उपयोग किए हैं, इनका सिर्फ विपक्ष के लिए चेतावनी समझा जाए या चेतावनी से बढ़कर? मेरी किसी को कोई चेतावनी नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैंने किया है वो कानूनन किया है, संविधान के मुताबिक किया और मेरे दिए गए उन फैसलों को माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने जो है सही माना है। और ये जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो बात है या प्रक्रिया है इसको जयराम जी को समझना चाहिए। ही मस्ट रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑल्सो एंड मस्ट रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। इफ ही हैज नो ट्रस्ट एंड फेथ इन मी, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, बट ही मस्ट हैव ए फेथ इन द सिस्टम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। 6 महीने के अंदर होना है तो अगस्त है। ठीक है, चाय चाय, हाँ चाय चाय, आप पी चाय।